खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। आज बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने इसका ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी ने यह भी कहा है कि वो 8 तारीख को अपने जन्मदिवस के मौके पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अपनी पहली पोस्टिंग में ही जैसलमेर से सुर्खियों में रहे पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अपनी एक दिवसीय यात्रा पर बाड़मेर आए चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर अपनी चुनावी मंशा को सभी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वे बाड़मेर लोकसभा से 8 अप्रैल को अपने जन्मदिवस के दिन नामांकन दाखिल करेंगे। चौधरी ने कहा कि 11 अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने देश सर्वोपरि की भावना से चुनाव लड़ने का आधार बताया। चौधरी ने बताया कि जल्द ही घोषणा की जाएगी कि वे किस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ना तो हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, बस लड़ना जरूरी है। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ लड़ने आया हूँ, हार जीत से मुझे कोई परवाह नहीं है। चौधरी 2011 कैडर के आईपीएस हैं और हमेशा सरकार से तनातनी की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। अपेक्षित भी थी वो देने का प्रयास है। मैं आपको बहुत छोटे में ब्रीफ कर दूँ और मैं अपनी बातों को रखने के बाद 5 मिनट में मैं आपसे चाहूँगा कि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5 मिनट में अपने आपको ब्रीफ कर दूँ। जैसा कि 7 मार्च 2019 को एक नोटिस के माध्यम से पंकज चौधरी आईपीएस को सेवा विमुख किया गया, जिस प्रकार से सेवा विमुख किया गया वो निहायत एक पक्षी अन्यायपूर्ण और पूरी तरह साजिश से प्रेरित एक प्रक्रिया थी। अब चूंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है तो मैं ज़्यादा उन बिंदुओं में फैक्ट्स में नहीं जाना चाहूँगा। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि एक पक्षी जो कार्रवाई हुई है, जो साजिशन जो कार्रवाई हुई है, उस पर सारे पहलुओं को दृष्टिगोचर करते हुए न्याय मिलेगा। दूसरी चीज़, जो 14 मार्च 2019 को मैंने जयपुर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने ये बताया कि पंकज चौधरी चूँकि 7 मार्च के नोटिस के बाद सेवा से विमुख हैं तो एक समान नागरिक रूप में उनकी भूमिका जो है समाज के बीच में देना चाहते हैं तो राजनीतिक पारी की मैंने घोषणा की थी। 14 मार्च को ही मैंने बताया था कि 7 लोकसभा सीटें पश्चिम राजस्थान से मैं किसी एक की दावेदारी करूंगा। मैं आज 26 मार्च है और 14 मार्च को ही मैंने बताया था कि अप्रैल 1st वीक में मैं आपको बताऊँगा किस पार्टी, किस बैनर, किस विचारधारा, किसके साथ पंकज चौधरी आगे प्रोसीड करेंगे। आज की जो बात है उसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पंकज चौधरी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज़, पंकज चौधरी 8 अप्रैल 2019 को अपना नामांकन भरेंगे और 8 अप्रैल में इसलिए कह रहा हूँ कि 8 अप्रैल मेरा जन्मदिवस भी है, उस दिन मैं अपना नामांकन भरना चाहूँगा और पूरी उम्मीद के साथ है कि उसके पहले जो है, जैसा कि आपका स्वाभाविक प्रश्न होगा, किस पार्टी से किस बैनर के तले आप लड़ेंगे वो तब तक डिसाइड हो चुका होगा। जो जहाँ तक पश्चिम राजस्थान से लड़ने की बात है, राजनीति में आने की बात है, राजनीति में आने के पीछे सीधी सी बात है, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं कि पंकज चौधरी वो शख्स हैं जो पिछले 5 सर्विसों में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई रखी है, व्यवस्था के अंदर रहते हुए जो है पुरजोर विरोध किया है, पुरजोर कोशिश की है। कोशिश इसलिए की है कि पंकज चौधरी एक लोकसभा की भूमिका में लोगों की सेवा करना चाहते हैं और चाहते रहेंगे। चूँकि आज के डेट में पंकज चौधरी पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं है, लेकिन मैं अपना मानता हूँ कि जो 5 सर्विसेज मैंने, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे राजस्थान सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि शायद अब वो समय है जिसमें मैं समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाके, अपने उनके विश्वास को, उनकी समझ के बीच में जाके मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहता हूँ, एक सिंपल एक समाज सेवक के रूप में। जहाँ तक बात है कि मैं क्या करूँगा, किस रणनीति के साथ आ रहा हूँ, किस विजन के साथ आ रहा हूँ, तो बिल्कुल सीधा साधा है, पंकज चौधरी कोई राजनीतिक नहीं है। पंकज चौधरी एक वो ऐसे सहज और निष्पक्ष अधिकारी हैं जो कि आम जनता के बीच के ही अपने को कड़ी मानते हैं, एक आम नागरिक मानते हैं और सिंपल सी 11 बातें हैं जो कि मैं पश्चिम राजस्थान को मैंने महसूस किया। पश्चिम राजस्थान में आने के पीछे कुछ कारण ये भी है कि पिछले कुछ वर्षों से मेरा एक सामाजिक सरोकार भी रहा पश्चिम राजस्थान से, विशेषकर जोधपुर, जालौर, सांचौर, भीलमाल, नागौर, मेड़ता, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर से। और कहीं ना कहीं मेरी एक जॉब में जब SP जैसलमेर था तो मुझे यहाँ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली, जिसमें भी हमने पाया कि कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के एक प्रेरक रूप, कड़ी रूप में शामिल करने की बहुत बड़ी चुनौती है।
यहाँ पे महिलाओं और बच्चियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उस पर बहुत कुछ किया जाना है। सीमा की जो तस्करी है, सीमा की जो सुरक्षा है, सीमा पार जो आतंकवाद है, कहीं ना कहीं जो हमारा सरहदी क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित है, इस पर बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है और एक बहुत बड़े मुहिम की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारे पश्चिम राजस्थान में, चाहे वो जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बाड़मेर हो, इनमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है, इनमें विशेष ध्यान की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो युवा है, कहीं ना कहीं पश्चिम राजस्थान का युवा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत हुनर इसमें, और पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की महिलाएं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, उनको एक मंच मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ के युवा काफ़ी अच्छे बच्चे जो है वो IAS IPS में चयनित हो रहे हैं, काफ़ी एक अच्छी प्रेरणा मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत दूरियाँ बाकी हैं, गैप बहुत बाकी है। पश्चिम राजस्थान जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि संभावना तो है, लेकिन दूर दूर तक जो है विकास कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, बच्चियों की प्राथमिकता रही, अपराध पे सख्ती रहे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ TV इंडिया पर।